पूरा देश आपको इतना पसंद करता है, पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, लेकिन मोदी जी को क्या पसंद है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में बहुत गरीब था हाँ। और हम गरीबी में पले बड़े हैं। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे पसंद ना पसंद ऐसा हमारा कुछ था नहीं। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहां क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है, मुझे इतना प्यार मिला है। मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा, तो दोस्तों मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।